आप अपने जीमेल की आईडी कैसे सिक्योर कर सकते हैंगे, कोई भी अगर आपका जीमेल का पासवर्ड भी जान जाता है तो वो आपकी जीमेल में लॉगिन नहीं हो पाएगा बगैर आपके परमिशन से। बहुत ही आसान तरीके से आप ये कर सकते हैंगे। बहुत बार देखा गया है कि आप किसी से जीमेल आईडी बनवा लेते हैं और वो उसको भी कोड पता होता है तो वो भी लॉगिन हो जाता है, आपकी वीडियो फ़ोटो आपकी प्राइवेसी जो है लीक हो जाती है। तो इससे बचने के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे लगाना है चलिए मैं बताता हूँ, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे, ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कोने में अपने आपके जीमेल का आइकन दिखा रहा होगा, उसको सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट दिखा रहा होगा लिखा हुआ, आपको सिंपली इस पर ओके कर देना, क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा आपके। आपको थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, होम, पर्सनल इन्फो, डाटा एंड प्राइवेसी। तो आपको सीधा इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोड लेगा, नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे इसको हमको ऑन करना है अपने को, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देते हैं। करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिख के आ रहा है गेट स्टार्ट, देख सकते हैं, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इंटर पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपका जीमेल का पासवर्ड हो वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। तो चलिए मैं अपने जीमेल का पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें। मैंने जीमेल का पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे नीचे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा आपके फ़ोन नंबर पे। अगर आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे ना शो करे तो आप फ़ोन नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेंड लिख के आएगा, यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेक्स्ट मैसेज पे ही अपना कोड मंगवाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको टेक्स्ट मैसेज वैसे ऑलरेडी इस पर रहता ही है, लेकिन आप अगर ना रहे फ़ोन पे रहे तो आप टेक्स्ट पे कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेंड पे कर दीजिएगा। अभी मेरे पास मोबाइल में एक कोड आएगा, वो कोड मेरे को यहाँ पे डालना है, जहाँ पे लिखा है इंटर द कोड। मोबाइल का कोड आ चुका है, चलिए इसको डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कोड डाल दिया है। कोड डालने के बाद में डायरेक्टली आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा नीचे टर्न ऑन, तो आपको टर्न ऑन कर लेना है इसको। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गई है। तो चलिए आपको बैक जाके दिखा देता हूँ ऑन हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये मेरी टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ऑफ थी तो अभी ऑन हो गई है। अब कोई मेरे मोबाइल पे मेरी जीमेल आईडी पे कोई और लॉगिन नहीं हो सकता बगैर मेरी परमिशन के, जब तक मैं ना चाहूँ जब तक वो लॉगिन नहीं हो सकता। अगर कोई लॉगिन होने की कोशिश भी करेगा तो गूगल मेरे पास एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपके गूगल में कोई लॉगिन हो रहा है, उसको लॉगिन होने दें या यस या नो का ऑप्शन आएगा। तो मैं अगर यस करूँगा तो लॉगिन हो जाएगा, अगर नो करूँगा तो लॉगिन नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप भी बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे कर दीजिएगा, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको